हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मुझे फायर से रिलेटेड कुछ नए वाले फ्रेजेस मिले, फायर से रिलेटेड। तो मुझे लगा क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको समझाया जाए कि फायर से रिलेटेड बहुत सारे नए नए फ्रेजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बढ़िया है, स्पीकिंग में जनरली यूज़ किया जाता है, तो समझते हैं इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ऑन फायर का मतलब तो होता है आग, जब घर पे आग लग जाती तभी हम लोग ऑन फायर कहते हैं, लेकिन ऑन फायर का मतलब एंथुसियास्टिक भी होता है, उत्सुक। जब कोई हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तब भी हम लोग कह सकते हैं आई एम ऑन फायर, आई एम वेरी एक्साइटेड ना बोलते हुए आप लोग आई एम ऑन फायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी फायर से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेज मैं आपको बताऊँगा, बने रहे आखिर तक। तो द हाउस वॉज ऑन फायर फॉर एन आर, द हाउस वॉज ऑन फायर फॉर एन आर, मकान में एक घंटे तक आग लगी हुई थी। आग लगी हुई यानी ऑन फायर, ये तो सबको पता है, नो प्रॉब्लम। आई एम ऑन फायर इन माई न्यू जॉब, देखो यहां पर नया सेंस में आ रहा है, आई एम ऑन फायर इन माई न्यू जॉब, मैं अपनी नई नौकरी में अच्छा कर रहा हूं, मैं अपनी नई नौकरी में एक्साइटेड हूं, मैं अपनी नई नौकरी में एंथुसियास्टिक हूं, बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, अच्छा कर रहा हूं, ये सेंस में आ सकता है। तो आप ये मत सोचिए कंटिन्यूस टेंस क्यों नहीं बना, इसका सेंस ये निकल रहा है, आप बहुत बेहतर किसी में कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम ऑन फायर, यस। उसके बाद मैं आपको कुछ और फ्रेजेस बताऊंगा। सेट फायर मतलब होता आग लगाना, वह तुम्हारे घर पर आग लगा सकता है, ही कैन सेट योर हाउस ऑन फायर, ही कैन सेट योर हाउस ऑन फायर, ये सेंटेंस लेंगे। केज फायर मतलब आग लगना, तुम्हारे घर में आग लग सकती है, तो योर हाउस कैन केज फायर, योर हाउस कैन केज फायर, या। और फायर का मतलब आग तो होता ही होता है, लेकिन नौकरी से निकालना भी होता है, फायर का मतलब आग के साथ साथ नौकरी से निकालना भी होता है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ नए नए फ्रेजेस पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल। अब दोस्तों हम लोग कुछ नए फ्रेजेस लेते हैं फायर से रिलेटेड। अब हमें कहना है कि सेट फायर, सेट फायर का मतलब होता है आग लगाना, कोई सब्जेक्ट किसी पर आग लगाएगा, तो हम लोग बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो तुम्हारे घर में आग लगा सकता है, वो तुम्हारे घर में आग लगा सकता है, तो ही कैन सेट योर हाउस फायर, ही कैन सेट योर हाउस फायर। केज फायर, आग लगना, आपके घर को आग लग गई, पास सिंपल है, आपके घर को आग लग गई, तो हम लोग बोलेंगे योर हाउस कॉट फायर, केज का सेकेंड फॉर्म कॉट होता है, योर हाउस कॉट फायर। और फायर का मतलब नौकरी से निकालना भी होता है, टर्मिनेट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, यू कैन नॉट फायर मी फ्रॉम द जॉब, यू कैन नॉट फायर मी फ्रॉम द जॉब, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फ्रेजेस थे दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि फायर से रिलेटेड आपको जो नए फ्रेजेस थे, नए वर्ड्स थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके सामने तीन सेंटेंस देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके बताएंगे, जिससे मैं समझ जाऊँगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। अब दोस्तों कुछ तीन सेंटेंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उसका आप ट्रांसलेट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जिससे समझ में आ जाएगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस, आप मेरे घर में आग क्यों लगा रहे हैं, क्वेश्चन, आप मेरे घर में आग क्यों लगा रहे हैं। नेक्स्ट, परसों उसके घर में आग लग गई, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल है, परसों उसके घर में आग लग गई। नंबर थर्ड, मैंने उसे नौकरी से नहीं निकाला, ये भी पास्ट सिंपल है, मैंने उसे नौकरी से नहीं निकाला। तो दोस्तों ये तीन सेंटेंस ऐसे, मुझे उम्मीद है आपको ये फायर से रिलेटेड फ्रेजेस समझ में आए होंगे। और भी आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन करना है, तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। और आपको पता ही है कि मैं रेनबो इंग्लिश नाम के चैनल में MWF मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। पहले मैं रोज़ लेता था, लेकिन आजकल मैं तीन दिन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बिज़ी हो गया हूँ। वहाँ पर भी आकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इंग्लिश ड्रीम पाठशाला में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, यहाँ भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा या फिर ऑनलाइन क्लास में शामिल करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूँ जो आपकी इंग्लिश को सचमुच में डेकोरेटिव इफेक्टिव इंप्रेसिव बना देंगे। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। बस एक ही गुजारिश है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए, जिससे आपके आने वाले हर अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।